आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट में नितिन कुमार। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया जो कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री बने 37 साल के मिथक को तोड़ने के बाद। और इस 37 साल में जब वो दूसरे कार्यकाल में अपने 100 दिन बिता चुके हैं, तो उसका लेखा जोखा पेश करने के लिए वो खुद आज मीडिया के सामने आए हुए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश में हमारी टीम ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने किस तरह से काम किया है, हमने वो कौन कौन से लक्ष्य थे जिन लक्ष्यों को भेदने की पूरी कोशिश की है, और कई सारे ऐसे जो लक्ष्य हैं वो भेद भी दिए हैं, उनकी संख्या करीब 97 हो गई है, आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ जाएगी। शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावों को लेकर के की। उन्होंने कहा कि जनता लगातार हमारे पर जो भरोसा है उसको बढ़ाती जा रही है, उसी का ही नतीजा था कि 37 साल बाद हम विधानसभा चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश में फिर से काबिज हुए, और उसके बाद से लगातार ये जो विश्वास की गंगा है ये और तेजी से बह रही है, और इसी का ही जो नतीजा था वो ये था कि हमने पहले विधान परिषद चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताया जो कि जनता की मदद से जीत कर आए, और उसके बाद दो प्रमुख लोकसभा की सीटें जो कि आजमगढ़ और रामपुर जो कि समाजवादी पार्टी के पास थी, वो दोनों सीटें हमने जनता के साथ मिल करके जनता के हित में उन दोनों ही सीटों पर कमल खिला डाला। तो चुनावों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियों की शुरुआत की थी, और उसके बाद उन्होंने एक एक करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से लेकर के रोजगार तक पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार इस पर हम काफी प्रयासरत भी हैं, इसे जल्द से जल्द और बेहतर किया जाएगा। विधान परिषद में कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया है, ऐसा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बहुत लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कांग्रेस का कोई भी नेता अब नहीं रहेगा, ये भी हमारी सरकार की ही उपलब्धि है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को लेकर के काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन आरोपियों उन अपराधियों के ऊपर पॉस्को एक्ट के जरिए सरकार की तरफ से पैरवी की गई है, और उन आरोपियों उन अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का भी प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है। बेहतर पुलिसिंग, बेहतर कानून व्यवस्था, इसी का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में अपना जो निवेश है उसे और बढ़ाया है, और इसी का ही नजारा था जो बीते दिनों हमने और आपने और उत्तर प्रदेश और के साथ साथ देश ने देखा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। इसके पहले भी कई सारी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हो चुकी हैं, उनका भी जो अगर देखा जाए रिकॉर्ड तो वो काफ़ी अच्छा रहा है, और बड़े पैमाने पर इससे जो निवेशक हैं वो भी जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, वो बेहतर हुई है, और इसके साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, युवाओं को रोजगार मिला है, हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हम डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 4 नए डेटा सेंटर भी बनाए जाएंगे, जिससे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के 4,000 युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा, और हम आने वाले दिनों में डिजिटल युग से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को डिजिटल युग से जोड़ करके कहीं ना कहीं जिस तरह से सबने देखा कि किस तरह से जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें ई पेंशन स्कीम से जोड़ा गया, उनके खाते का जितना भी उनकी नौकरी के दौरान जो भी जो पेंशन उनको मिलनी थी वो ई पेंशन के द्वारा सिंगल विंडो कार्यक्रम के जरिए उनके खातों तक पहुँचाई गई है, और उसके अलावा बड़े पैमानों पर युवाओं ने कहीं ना कहीं ODUP जैसी स्कीमों के जरिए अपना रोजगार भी विस्तृत किया है। लोन की जो लोन पाने की जो प्रक्रिया है उसको भी आसान किया गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं डिजिटल युग और डिजिटलाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा देने का प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से किया गया था, और उसी का ही फायदा भी युवाओं को लगातार मिला है। किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने बड़े पैमाने पर इस बार भी गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो किया है। उन्होंने कहा
कि हमने एक बड़ी बड़ी संख्या में बड़ी मुश्त रकम जो थी वो किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई है, जो कि गन्ना किसानों से जुड़ी हुई थी, उनके भुगतान से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक और अहम मुद्दा था, वो था धार्मिक स्थलों से माइक हटाने को लेकर के। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 1.2 लाख से अधिक धार्मिक स्थलों से हमने माइक हटवाए हैं या फिर उनका जो वैल्यूम है उसको डेसिबल में कंट्रोल किया है। और सबसे अहम, उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र की तरफ से जो योजना चलाई जा रही थी कोविड काल के दौरान से, अब तक उसको बढ़ाया गया है और वो योजना है गरीबों को राशन देने की। करीब 15 करोड़ ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश में जिनको आसानी से जो राशन स्कीम है उसके जरिए जोड़ करके उन्हें राशन दिया जा रहा है और उससे बड़े पैमाने पर लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। रोजगार की दृष्टि से भी बेहतर उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में रास्ते खुलेंगे। सरकार ने स्कीम के जरिए ये चर्चा की थी जब वो सरकार में आए थे कि किस तरह से आने वाले 100 दिनों में उत्तर प्रदेश में रोजगार देना है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो बेरोजगारी दर है वो 2.9% है। 100 दिन के अंदर हमने 10,000 युवाओं को रोजगार दिया है, जो अकेले गृह विभाग में मिले हैं, जिसमें सरकारी नौकरियां शामिल है और सबसे अहम है पुलिस विभाग में होने वाली भर्तियां, जिसमें आश्रित और पुलिस विभाग के दरोगाओं की भर्ती है। इस तरह की प्रमुख बातें जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कही हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने मंत्रियों को पहले ही चेताया था, अपनी टीम को चेताया था, और 18 मंत्रियों का एक समूह भी बनाया था जो अलग अलग कमिश्नरीज में जाकर के 72 घंटे रुकेंगे, वहां पर जनता की समस्याएं सुनेंगे, और उसी का ही ये नतीजा है कि हम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग चुनावों में जीतते जा रहे हैं, जनता का भरोसा जीतते जा रहे हैं। बीती सरकारों में कानून व्यवस्था बदहाल हुआ करती थी, परिवारवाद की भेंट उत्तर प्रदेश चढ़ गया था, निवेशक और लोगों की नजर में उत्तर प्रदेश की एक दूसरी ही तस्वीर थी जिससे सब कहीं ना कहीं भय खाते थे, लेकिन हमारी तरफ से ऐसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश की गई है जिससे उत्तर प्रदेश में निवेश भी बढ़ा है, रोजगार भी बढ़ा है, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर और तेजी से चलेगा। कई सारी बातें जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से लगातार अब 100 दिनों को उत्तर प्रदेश की उपलब्धि नहीं, उत्तर प्रदेश की बर्बादी के रूप में बताया जा रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के ये जो 100 दिन है, उत्तर प्रदेश सरकार के ये जो 100 दिन है, ये दरअसल बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही कहना है। हम भी इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये जो 100 दिन है ये कैसा रहा है, आने वाले 100 दिनों में कैसा रहेगा, 6 महीने में कैसा रहेगा, 1 साल में, 5 साल में क्या तस्वीर रहेगी उत्तर प्रदेश की, और विपक्षी दलों को आखिर सरकार का इतना सारा काम क्यों बर्बाद लग रहा है। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 trillion की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है, और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 trillion तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई, और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए और वहां पर अब वाहनों की पार्किंग की सुविधा प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है, और ये पहली बार हुआ कि धर्मस्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वैल्यूम को कम किया गया,
और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतः स्फूर्त भाव के साथ, ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। 100 दिन का कमाल, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह हुई बेहाल। उत्तर प्रदेश की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। क्या यह सच्चाई नहीं है? 100 दिन में उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, गांव, गरीब पूरी तरह दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है। हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा का पेपर आउट होता है, नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा, नहीं तो और क्या है। जो पत्रकार इस मुद्दे को उठाते हैं उनको जेल की सलाखों में जाना पड़ता है। 100 दिन की सरकार की उपलब्धि यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान 1.5 साल से अपने आरक्षण की मांग को लेकर संघर्षरत है। दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की भर्ती, सिंचाई विभाग की भर्ती, बिजली विभाग की भर्ती, सारी भर्तियों के जो भी परीक्षा होते हैं उसके पेपर आउट होते हैं। या तो नौजवान कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, नहीं तो इको गार्डन में आज तक आंदोलन कर रहा है। इस सरकार ने 100 दिन में उन नौजवानों की सुधी तक नहीं। 17 करोड़ रुपए की दवा एक्सपायर हुई 100 दिन के अंदर, जो गरीबों को सरकार के तरफ से दी जाती है अस्पतालों में। 17 करोड़ रुपए की दवा एक्सपायर हुई 100 दिन के अंदर, पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि कि सत्ता पक्ष के लोग जुल्म करें, जाति करें, अन्याय अत्याचार करें, उस पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। और वही हरकत अगर विपक्ष के तरफ से हो गया तो सरकार तुरंत उस पर एक्शन ले लेती है। 100 दिन के अंदर कम से कम लाखों गरीब, कमजोर, वंचित लोगों के जो 50 साल 100 साल से बसे हुए, जिनके पास ठिकाना नहीं, उनके मकान गिराने का काम किया है 100 दिन के अंदर। इनके 18 कमिश्नरी में मिनिस्टर गए, टीम गई, जांच करके आई और 100 दिन के काम में उस टीम ने रिपोर्ट दिया कि दरोगा से लेकर DM खाली रिश्वत में लगे हुए हैं। मतलब ये लोग कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, खाली रिश्वत का काम, लूट खसोट में मस्त हैं। ये 100 दिन में वो मंत्रियों ने, उसी की कड़ी में मंत्रियों ने भी बताया। 100 दिन के अंदर एक इन्होंने कानून बहुत बढ़िया पास किया कि अब पिछड़े और दलित को अब छात्रवृत्ति नहीं देंगे। इन्होंने कैसा कानून लाया है कि जो पूरी फीस एक जगह एक मुश्त जमा करेगा वही छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति पाएगा। अगर गरीब के पास ये हैसियत होती एक मुश्त फीस देने की तो फिर सरकार से सहयोग क्यों लेता है? तो जो संविधान में व्यवस्था है कि भाई उनको एडमिशन कर लो, जो छात्रवृत्ति जाएगी उस पैसे को अपना उसी में ऐड कर लेना जो शुल्क प्रतिपूर्ति है, लेकिन उन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि 4-5% बच्चे भी पढ़ नहीं पाएंगे। ये 100 दिन की उपलब्धि इनकी। विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मिसम सैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, रविंद्र सिंह पटेल हमारे साथ RLD से जुड़े हुए हैं, इमरान लतीफ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रविंद्र सिंह पटेल आपके पास आना चाहूँगा। किसानों को लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है, पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए दूसरे कार्यकाल के। उन्होंने कहा कि किसानों को बड़े पैमाने पर जो गन्ना भुगतान था वो हमने कर दिया है। क्या आपको लगता है कि गन्ना भुगतान हो गया है और सरकार के 100 दिन आप किस नज़र से देखते हैं? सरकार के 100 दिन ही क्यों, सरकार है, दूसरा टर्म मिला है, वो प्रतिदिन उत्सव मनाए, महीने का उत्सव मनाए, साप्ताहिक उत्सव मनाए, वो मना सकते हैं। चूंकि लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, इसमें जब कोई सरकार चुनी जाती है तो उनका एक 5 साल का कार्यकाल होता है, एक अनुबंध होता है। उस अनुबंध के तहत उत्तर प्रदेश की जनता अनुबंधित है इनके आगे 5 साल के लिए। ये कुछ भी कह दे, इन्होंने तो कहा था कि हम रोजगार देंगे और जो इन्होंने आंकड़ा खुद प्रस्तुत किया था उसको आप जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, 22 के चुनाव में आप लोग गन्ना किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा रहे थे। सरकार ने यह कहा है कि करीब 1.74 लाख करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो सरकार की तरफ से किया गया है। इम्प्लीमेंट कहाँ है? गन्ना किसान बैठा है गन्ना मिलों पे
और ये कह रहे हैं कि हमने भुगतान कर दिया है। अब भाई ये इस बात को जो आप कार्ययोजना बना रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की बात को समझना होगा कि ये जो कार्ययोजना बनाते हैं, जो भी योजना लाते हैं, जो कहते हैं, वो प्रदेश हो या देश की जनता को समझ में नहीं आता है। आप ये गन्ना किसानों के भुगतान की बात कर रहे हैं और गन्ना किसान गन्ना मिलों में बैठा है और अब वो उसकी समस्या सुनने वाला कोई ना गन्ना मंत्री है ना मुख्यमंत्री है, वो आंदोलन करने को तैयार है। तीन तीन महीने से 100-100 दिन से वो बैठे हुए हैं कि भाई साहब कब मिलेगा हमारा भुगतान, हम कब जाएंगे। लेकिन स्थिति ये है कि इनके कागजों में, कागजों की हेराफेरी बहुत अच्छे से करते भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कागजों की हेराफेरी इतनी अच्छे से करती है, शब्दों का जाल ऐसा बुनती है कि सामने वाले को लगता है कि साहब कुछ ना करो अब तो बिल्कुल रामराज जा गया है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक हैदराबाद में अधिवेशन किया और वहां कहा कि नहीं ये परिवारवाद जो है समाप्त होना चाहिए। अब ये बताइए जिनका परिवार होगा वही ना परिवारवाद करेंगे। और मैंने तर्क दिया था और मैं जो बात कहना चाहता हूं ये समग्र, चूंकि 100 दिन में सब चीज है, इन 100 दिन में इनको चाहिए था कि जो इन्होंने प्रमुख बातें कही थी, कानून व्यवस्था, रोजगार, बेरोजगारी, उन विषयों पे इनको आज प्रकाश डालना चाहिए था। तो सारे मुद्दों पर तो प्रकाश डालना है। अब आप उन्होंने सबसे पहले शुरुआत किया, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, सबसे पहले शुरुआत की रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव जीतने पे। ठीक है, सरकार का चुनाव था, सरकार उसे चुनाव जीती, उपचुनाव था, इन्होंने चुनाव, उसके लिए बधाई है इनको और हम बधाई देंगे, हम बधाई दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 100 दिन नहीं, आने वाले जो और भी 4.5 साल है उसमें इतना अच्छा काम करें कि भाई जनता को लाभ पहुंचे। लोकतंत्र की मर्यादा है यही है कि हम भी पहुंचेंगे सत्ता में तो जनता को लाभ पहुंचाने के लिए। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस से। चंद्रेश जी, आप सरकार के दूसरे टर्म के 100 दिन किस नजर से देख रहे हैं और क्या और बेहतर हो सकता था, जो इतना बेहतर काम हुआ उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता था? चंद्रेश, आपको आवाज मिल रही? जी जी, आवाज मिल रही। हाँ बताइए जी, सवाल सुना आपने? जी नहीं, सवाल नहीं सुना, एक बार सवाल रिपीट करिए। हाँ चंद्रेश भाई, मैं ये कह रहा था सरकार ने इतना। अच्छा, चंद्रेश भाई से सवाल, मैं तारिक हूँ, चंद्रेश भाई। अच्छा तारिक भाई, जुड़ गए क्या आप? तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तारिक भाई, मेरा सवाल आपसे ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी उपलब्धियां आज गिनाई हैं, ये भी बताया है कि उत्तर प्रदेश में 2.9% ही बेरोजगारी जो दर है वो बची हुई है, इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता था? इन 100 दिनों में जो काम किया गया उस काम को और बेहतर कैसे करेंगे सरकार वाले, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी की बात, चंद्रेश भाई मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कई चीजें बताई कि हमने ऐसा कर दिया और उसपे तो मैं बहुत बार ये बात बता चुका हूँ कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट का मामला है जो ये बार बार ये बेरोजगारी दर और रोजगार दर की बात करते हैं। उस पर एक दिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर डिबेट रखें और मैं चाहूंगा भाजपा वाले जवाब दें। लेकिन मेरा कुछ सवाल है भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे, स्पेसिफिक सवाल है। इन्होंने 10 सेक्टर्स में सारे विभागों को बांटा योगी जी ने टारगेटिंग करने के लिए कि आगे आने वाले टाइम में इनको करना क्या है। उसी में एक सेक्टर इन्होंने बनाया एजुकेशन का। एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने जब इनकी जो वेबसाइट है सरकार की वहां अपडेट किया कि पंख नाम से इन्होंने एक पोर्टल बनाया। कितना अच्छा अचीवमेंट है कि 100 दिन में एक पोर्टल बनाया, मुबारकबाद, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। 100 दिन में पोर्टल बनाया है और शायद कोई योजना धरातल पे 500 दिन में ये ले आए। अगर 100 दिन में एक पोर्टल बनाया है इसका मतलब है कि 1 साल में ये 3 पोर्टल बनाएंगे। और उससे आगे बढ़ता हूँ, जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो वो पोर्टल है ही नहीं नितिन भाई, वो पोर्टल पंख नाम का कोई पोर्टल ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, जो 10 सेक्टर बांटे हैं, तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ पंख पोर्टल है कहाँ? वो किस दुनिया में? क्या पाताल लोक में जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए या पुनर्जन्म लेना पड़ेगा मुझको ढूंढने के लिए? एक सवाल। दूसरा सवाल ये, इन्होंने उसी सेक्टर में अपने लिखा कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको वाईफाई कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या है उत्तर प्रदेश में, क्या 100 भी स्कूल वाईफाई हो गए, वाईफाई कनेक्टिविटी मिल गई इनको?
अगर मिल गई है तो मुझे आने वाले टाइम में फोटो भेज देंगे और इधर उधर ना भागेंगे बुलडोजर पे और उदयपुर पे भाजपा के प्रवक्ता, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है, तारिक भाई मुख्यमंत्री जी ने एक बात बहुत कही है कि जब आप लोगों की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर लोगों के सामने कुछ और पेश की जाती थी, जब से हम आए हैं हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है और तब भी आपको समस्या है कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया, किया है तो फोटो खींच के भेज दें। एक बड़ा अच्छा सा सवाल सरकार पे भी है, एक इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया है होम गार्ड एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, नितिन भाई उस पे इन्होंने पुलिस के लिए जानते क्या किया है, एक तो भर्ती निकाली, अरे इनकी भर्ती तो माशाल्लाह है आती है और उसके बाद समाप्त हो जाती है, भर्ती की तो इनकी बात ही ना करिए। उसके बाद क्या किया कि लखनऊ और कानपुर में कमिश्नर बना दिया, ये बड़ा बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन पुलिस वाले कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके लिए 3200 गाड़ियां किसने खरीदी थी एक जमाने में, अखिलेश यादव ने। आज वो बुलेरो और इनोवा स्टाइल 100 पे जो आई थी इतनी जर्जर स्थिति में है, वो पुलिस वाले कितनी उनका आप समझिए उनका साइकोलॉजिकल जो स्टेटस है कितना खराब रहता होगा, वो कितना फ्रस्ट्रेटेड रहते होंगे, उनके लिए आपने जीरो फैसिलिटी दी है और अभी 4-5 हज़ार नौकरियां निकाली और कहा कि 20% रिजर्वेशन होमगार्ड में लड़कियों को देंगे आप, वो आपकी नौकरियां तो ऐसी हैं कि आएंगी फिर पेपर लीक होगा, तमाम प्रक्रिया है उसकी, फिर कोर्ट जाएगा, न जाने क्या क्या। तो अभी आप कह रहे थे कि हमने क्या किया, आपने क्या किया, तो आपने पुलिस विभाग के लिए क्या किया, एक नौकरियां निकाल दी तो नौकरियां तो आपकी वो खत्म हो जानी है क्योंकि उसमें पेपर लीक होगा, उसके बाद वो वहां कोर्ट में जाएगा मामला, 100 दिन में 10,000 भर्तियां कहां हुई है, मैं शाही साहब के पास सर में पूछूंगा, किस विभाग में हुई है, ठीक हाँ गृह विभाग बताया गया, नहीं नहीं किस विभाग में हुई है, गृह विभाग में बताया गया, पुलिस विभाग में हुई जी? पुलिस विभाग देखिए गृह विभाग में तो सब कुछ आता है ना, होम मिनिस्ट्री में सब कुछ आता है, होम मिनिस्ट्री तो सब कुछ कर देता ना, एचआरडी मिनिस्ट्री इसलिए कि वो नहीं बताया गया है कि पुलिस विभाग में 10,000 भर्तियां हुई है। देखिए पुलिस विभाग में इन्होंने 5,000 भर्तियां निकाली है, कब कर ली चुपके से, क्या बैकडोर से भर लिया जैसे राज्यसभा में लोग जाते हैं बैकडोर से, ठीक है ठीक है ठीक, मैं आता ऐसा नहीं है, भर्ती निकलेगी तो सब कुछ ठीक ठीक, मैं आता अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से, शाही साहब 5 साल और उसके बाद 100 दिन आप लोगों ने बेहतर काम किया, आज मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, आप लोग लगातार लंबे समय से बताते आए हैं, लेकिन इन लोग की समस्या क्या है, ये लोग एक एक चीज में एक एक पिन पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं सीसीटीवी लगवाए हो तो फोटो खींच को भेज दीजिए, गन्ना किसान वाले अभी भी वहां मिल के बाहर बैठे हैं कह रहे हैं कि हमें भुगतान नहीं मिला, दिक्कत क्या है इन सबकी। पहले मैं कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं या विरोधी दल के जो लोग भी हैं जी, उनको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बुकलेट है मैं आपको भेज देता, आपके पास होगा वैसे जी, है लेकिन मैं आपको भेज देता हूँ, सबको बटवा दीजिए और उसको पढ़ें और घरों से निकलें, क्योंकि अखिलेश यादव ने ठान लिया है कि ट्विटर पर ही काम करना है, तो एक ट्विटर चला के मारो, उसके बाद उनके जितने कार्यकर्ता है आते हैं या तारिक भाई की तरह जो है तलवार निकालकर लड़ाई शुरू, ये फोटो खींच कर भेजिए, कैमरा कहाँ है, वाईफाई कहाँ है, ये पूछना शुरू करते हैं, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है कहाँ है और उससे अपने सरकारों के समय की तुलना कर लें। बेरोजगारी दर की बात जहां तक आती है मैं वहीं से शुरू करता हूं, क्योंकि इन लोगों का सवाल बेरोजगारी दर पे रहता है कि बेरोजगारी है आपके यहाँ जो है बहुत महंगाई है, नहीं नहीं बेरोजगारी पे कुछ नहीं है, बोलने दीजिए तारिक भाई बोलने दीजिए प्लीज। हाँ शाही साहब मैं बेरोजगारी से शुरू करता हूँ नितिन भाई, और आपके यहाँ एक डिबेट आपने इसी पर रखा था जिसमें मैं था, मुझे आज भी याद है कि बेरोजगारी दर 17.5% से घटकर 2.9 पर आ गई है, मुझे एक 1.5 महीने पहले की बात, बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी सरकार अपने को देखे और हमको देखे। आज अभी 10,000 की नियुक्तियों की बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि पुलिस की भर्ती जिसमें दरोगा से लेकर सब कई भर्तियां हैं उन्होंने गृह विभाग का बताया है, और इसको मैं एक और थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, उस चुनाव के दौरान भी विभाग अपना काम कर रहे थे, भर्तियां नहीं रुकी थी। उत्तर प्रदेश में और आता हूं मैं, रोजगार देने की बात होती है पूरे प्रदेश में, ODOP नाम की जो है जो माइलस्टोन हम लोगों ने लगाया है, उस माइलस्टोन का यहां नहीं G7 की बैठक अभी हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी गए और अपने उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट ले जाकर वहां पर 8 राष्ट्राध्यक्षों को उपहार स्वरूप दिया, उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ा, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि ODOP में उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट हब बन चुका है। 5-6 जिले जो चिन्हित किए गए थे, आगरा क्या कहते हैं अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, इस तरीके से 5-6 जिले जो चिन्हित किए गए हैं,
वहाँ लगभग 16,000 करोड़ के ऋण बांटे गए और वहाँ पर काम और बहुत तेजी से चल रहा है काम। ये एक इन लोगों को एक जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ जो खोजते रहते हैं। औद्योगिक विकास में काम हो रहा है, 80,000 करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सिर्फ उद्घाटन नहीं वो नहीं हुआ था, शिलान्यास भी लोकार्पण भी हुआ था उसमें। जो पार्क हमारे बने थे, डाटा सेंटर वगैरह बनना है, अभी बन रहा है, कुछ बन चुका है, वहां पर हमको रोजगार की संभावनाएं पूरी पूरी दिखती हैं। 1,56,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया है, ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है स्पष्ट रूप से। पांच एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश, अब एक एक्सप्रेसवे से आज उतर नहीं पाते हैं अखिलेश जी। अब गंगा एक्सप्रेसवे, हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल को इन्होंने जबरदस्ती पटीदारी के झगड़ा में कब्जा करने की बात की, फेल हो गए पांच एक्सप्रेसवे। अब इंटर कनेक्टिविटी जो हम आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, आगरा, ये सबको हम क्या कहते हैं चित्रकूट, जो हम जहाजों से जोड़ रहे हैं, पांच जगहों को, पांच एयरपोर्ट को हमने भारत के विमान पत्तन विभाग मंत्रालय को दिया है, उनके साथ अटैच किया है, वहां पर हम वो भी चला रहे हैं। सड़कों के लिए जो हर जगह से सड़कें जो है जोड़ने की बात चल रही है, सेतुओं के लिए वहां के लिए योजना हमारी चल रही है, अब सड़कों का बहुत ही विकास हुआ है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ये रविंद्र सिंह पटेल आरएलडी से हैं, ये कह रहे हैं गन्ना किसानों को भुगतान आप लोग कहां कर दिया। उस पर भी आ रहा हूँ मैंने कहा ना कि वो दीजिए तो आंख खुलेगी, और गन्ना किसानों की बात पर आते हैं जी। रविंद्र सिंह पटेल आरएलडी के हैं, समाजवादी पार्टी के साथी हैं, जब ये लोग सरकार छोड़कर गए 40-50 हजार करोड़ का बकाया लगाकर गए थे ये लोग, उस बकाए को भरते हुए 1,76,000 करोड़ का भुगतान हमारी सरकार ने किया, और इस 100 दिन में 12,500 करोड़ का भुगतान किया। उसके लिए सुन लीजिए, उसके लिए चश्मा उतार कर जाना पड़ेगा क्षेत्र में, किसानों के बीच में। आरएलडी का प्रवक्ता कहने से नहीं काम चलेगा, जयंत चौधरी को भी उतरना पड़ेगा और आपको भी जाना पड़ेगा किसानों के बीच में, कहाँ कहाँ भुगतान नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ भुगतान हुआ है। ठीक है सर। और आरसी काटने का काम सुन लीजिए, 3 चीनी मिलों को आरसी काटने का काम इसी सरकार ने किया जो भुगतान देने में पीछे थी, किसी सरकार ने नहीं किया। इन लोगों ने तो चीनी मिल बेचने का काम किया है, हम लोगों ने चीनी मिल लगाने का काम किया है। अगर भुगतान नहीं होता तो चीनी मिल लगाते। ठीक है सर ठीक, मैं आऊंगा रविंद्र सिंह पटेल मैं आऊंगा। इमरान लतीफ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। इमरान भाई, तारिक खान और रविंद्र सिंह पटेल ने बताया कि सरकार ने क्या नहीं किया, शाही साहब ने सब कुछ क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं बुकलेट भी भेज दूंगा आप लोगों को, आप इन 100 दिनों को किस नजर से देखते हैं? देखिए, इस 100 दिनों को भाजपा की सरकार ने खुद ही जो है सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 100 दिन कहे हैं। आपको बुकलेट नहीं मिली क्या? सेवा का मामला ये आप खुद देखिए, सेवा का मामला ये है कि महोबा के अंदर एक नवजात बच्ची को चींटियां खा जाती हैं। क्या सुरक्षा का मामला ये है, कह रहा बुकलेट की हेडिंग वही है, वो पढ़ रहे हैं। मैं बुकलेट ही पढ़ रहा हूँ, केजरीवाल जी के पार्टी के सदस्य हैं, बहुत मजबूती से रखते हैं नजर। अश्विनी जी, मैं बुकलेट ही पढ़ रहा हूँ, बस शांति से सुनिए आप भी। फिर से मैं शुरू करूँ कि इन्होंने जो उन्वान दिया है, शीर्षक दिया है कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 100 दिन। सेवा की असली हकीकत यह है कि महोबा के अंदर एक नवजात बच्ची को चीटियां खा खा के मार डालती हैं। सुरक्षा का मामला यह है कि एक रेप पीड़िता बच्ची ललितपुर के एक थाने में इंसाफ पाने के लिए जाती है, उसको वहाँ के SHO उसके साथ बलात्कार करते हैं। सुशासन का मामला यह है कि एक 80 वर्षीय बुजुर्ग आदमी SDM के यहाँ इंसाफ पाने के लिए जाता है और उनको 2.5 घंटे तक ज़मीन पर बैठाया जाता है, जब वो कुर्सी पर बैठने की हिमाकत करते हैं तो अधिकारी उनको डांट फटकार कर ज़मीन पर बिठा देते हैं। ये असली हकीकत है उत्तर प्रदेश की। अभी आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो रोज़ आप खबरें उठाकर देखिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, किसी भी ज़िले की बात करेंगे, हर ज़िले से खबरें आती हैं बलात्कार की, हत्या की, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिलाएं हो, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। शिक्षा की अगर आप बात कर लें तो आप देख सकते हैं किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है। आज अभी बड़ी बड़ी वाईफाई की बातें हो रही थी, हम तो इलाहाबाद के एक प्राथमिक विद्यालय को देख रहे थे जिसमें भैंसें बंधी हुई थी। आप श्रावस्ती चले जाइए, अगर आपको स्वास्थ्य के हालात देखने हो तो आपको पता चलेगा कि ज़िला जो अस्पताल है वहाँ पर सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मी जो है मरीजों का इलाज कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। तो ये लोग कैसे कहते हैं कि सारी योजनाएं धरातल पर हैं, जमीन दरअसल पर कहना क्या है, कहने के मामले में बातवीरों की सरकार है, ये जुमलावीरों की सरकार है, ये सरकार दरअसल प्रचार और प्रसार की सरकार है। इनको बहुत अच्छे से कुछ आता है तो आंकड़े आंकड़ेबाजी करना आता है, आंकड़ों के खेल के मामले में इनसे कोई नहीं जीत सकता। जुमलेबाजी
बाजी में इनसे कोई नहीं जीत सकता, बात में इनसे कोई नहीं जीत सकता, आंकड़ों का जो हेर फेर करते हैं इसमें उनसे कोई नहीं जीत सकता। कुल मिलाकर ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप बिजली व्यवस्था की बात कर लीजिए, आज गाँव गाँव में चले जाइए, एक महीने से डेढ़ महीने से हम चिल्ला रहे हैं, चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है और बिजली का बिल सरपट भाग रहा है। एक बार ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, पोल गिर जाए, तार टूट जाए, तो जब तक चंदा करके गांव वाले रिश्वत ले जाकर अधिकारियों को ना दें तब तक ट्रांसफार्मर नहीं बदलता, उनकी समस्या नहीं ठीक होती है। यह उत्तर प्रदेश की हालत है। पांच साल पहले भी वही हालत थी, 100 दिन बाद भी वही हालत है। पहले जंगल राज 1 चल रहा था, अब जंगल राज 2 चल रहा है। ठीक, मैं आता हूं। चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस से। चंद्रेश जी, मुख्यमंत्री जी ने जब उपलब्धियां गिनाई तो उसमें एक उपलब्धि यह भी गिनाई कि आपको विधान परिषद से साफ कर दिया गया है। चंद्र सिंह, आवाज आ रही है आपको? जब गायब ही हो गए तो आवाज कहाँ जाएगी? वो भी उच्च सदन से। चंद्र सिंह, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए चंद्रेश जी को जोड़िए भाई, जल्दी से उनसे सवाल लेना है। सुभाष यादव जी के पास आऊंगा। सुभाष जी, सरकार के 100 दिन हो चुके हैं दूसरे कार्यकाल के। सब ने बताया कि बहुत सारी कमियां हैं। शाही साहब ने बताया कि बुकलेट भेज देंगे, पढ़ लेना। पढ़ते नहीं है ये लोग। क्या कहना है आपका, कैसा रहा कार्यकाल? मिथुन भाई, आपके सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं सबसे पहले रविंद्र भैया का धन्यवाद अदा करूंगा, क्योंकि रामपुर आजमगढ़ मुख्यमंत्री जी हैं। चंद्रेश भाई, याद है ठीक, सुभाष जी मैं सुन रहा था। हाँ, क्या कह रहे थे? आवाज आ रही है मेरी? आवाज? हाँ, बोलिए 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 बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए चंद्रेश जी। आवाज भैया, हमारी तो आवाज आ रही है, आप कैसे, आपको आवाज हमारी पहुंच रही है? अरे मुझे मिल रही, शाही साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को साफ कर दिया गया, इसीलिए आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। उच्च सदन में नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, वो कह रहे उच्च सदन में नेटवर्क नहीं आ रहा शायद कुछ। ये बात हम दीपक सिंह से भी एक दिन बोल दिए थे डिबेट पर, भाई आप लोग तो गायब हो गए आजादी के बाद पहली बार। चंद्र सिंह को आवाज नहीं मिल रही, सही किया जाए। हाँ सुभाष जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं वही बता रहा था कि हमारे जो आरएलडी के प्रवक्ता है, इन्होंने शुभकामनाएं दी अभी हमारे अश्वनी भाई को। तो मुझे याद आ रहा है कुछ दिनों पहले जब उपचुनाव होने वाले थे, वोटिंग नहीं हुई तो उसके पहले हमारे रविंद्र भाई बार बार ये चीज बोल रहे थे कि रामपुर और आजमगढ़ तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उसे हम लेके रहेंगे। खैर, उन्होंने आज शुभकामनाएं दी और उस चीज को एक्सेप्ट किया। अब दूसरा आते हैं सरकार के 100 दिनों के ऊपर। तो मैं, मेरे हिसाब से सरकार के जो 100 दिन है, कहीं ना कहीं सरकार अपनी उपलब्धियों को बता रही, बिल्कुल सही है। नितिन भैया, आपने आज देखा होगा, अभी जो आपने डिबेट के शुरू में जो आपने थोड़े थोड़े से फुटेज चलाए थे योगी जी के, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके कहने का लहजा बहुत कुछ बयां करता है। योगी 2.0 का जो कार्यकाल चालू हुआ है, ये कहीं ना कहीं नई उपलब्धियों की तरफ लेके जाएगा। जैसे कि बाकी सभी लोगों ने आरोप लगाए बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं, बेरोजगारी का मतलब क्या है? बेरोजगारी का जो डाटा सारे लोग बोल रहे हैं, प्रवक्ता लोग जो बोल रहे हैं, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी सबको मिलेगी तभी बेरोजगारी बढ़ेगी? अदरवाइज बेरोजगारी कम नहीं होगी? तो इन लोगों को जैसा लगता है कि सब सरकारी नौकरियां सबको मिल जाएंगी तो प्रदेश की जो बेरोजगारी पूरी तरह से कम हो जाएगी। तो सिर्फ सारे लोगों को रोजगार देना किसी के बात तो संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया भर की जो दूसरी चीजें चल रही, जैसे कि ODOP के तहत की जो बात चल रही थी, दूसरे जो रोजगार है वो भी उसके अंदर भी देखा जाना चाहिए। ये नहीं कि सारे लोग रोजगार मिल जाएंगे, सारे लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। इसके पहले उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी 17-18% के आसपास थी, आज बेरोजगारी दर काफी कम हुई है। इस आंकड़े को भी आप देखिए, क्योंकि जितने प्रवक्ता लोग सारे लोग बात करते हैं ना कि आंकड़ों की बात करते हैं कि हमारे पास ये डाटा है, तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं। आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कम हुई है। अगर इसको और नजदीक से देखना है, और करीब से देखना है, उत्तर प्रदेश के जो लोग थे इसके पहले, पूर्वांचल के लोग हो गए, पश्चिम के हो गए, मध्य के हो गए, कमाने के लिए आते थे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह कमाने के लिए आते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ भी रोजगार मिला है, यहाँ पे भी लोग रोजगार अपना कार्य कर रहे हैं। तो आरोप लगाना देखिए सहज है, और आरोप लगाएंगे, और मैं समझता हूँ कि हर विपक्षी पार्टी का धर्म भी है कि ये सत्ता पक्ष को घेरे, लेकिन सरकार की उपलब्धि है, इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि जिस प्रकार, नितिन थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, शब्द कम खत्म करना चाहता हूँ जल्दी, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, जिस प्रकार नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में GST भी हुई, और उसके बाद में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप भी आया, तो इस चीजों से पूरा विश्व अछूता नहीं है। हम इसके अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश या भारत देश को काउंट नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश निरंतर अपनी प्रगति की राह पर अग्रसर हो रहा है, तो सरकार की उपलब्धि ही माना जाए। ठीक है सर, ठीक है। चंद्रेश कुमार सिंह, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है। चंद्रेश जी, ये शाही साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को विधान परिषद से बिल्कुल साफ कर दिया गया, योगी जी ने भी आज अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया। शाही साहब को कहने दीजिए, शाही साहब जो है कुछ भी कह सकते हैं, उनका दिन है। अरे जो हुआ है वो कहा है, स्वतंत्र है,
कहने में थोड़ी कुछ लगता है। हाँ ठीक है, सुनिए मुख्यमंत्री जी की बात को मैं बड़ी ध्यान पूर्वक सुन रहा था। मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से बात, मुझे वो सरकार की उपलब्धि बता रहे थे या एक राजनीतिक पार्टी की उपलब्धि बता रहे थे, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था, पहली तो बात ये। दूसरी चीज, पूरे बात के दौरान मुख्यमंत्री जी ने एक भी बार ये नहीं बताया कि इन 100 दिनों में उन्होंने क्या किया है, आगे क्या कर लेंगे, आगे क्या कर लेंगे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और सिर्फ मुख्यमंत्री। उसके लिए एक बुकलेट जारी की गई है भाई, आपको नहीं मिली क्या? चंद्रेश जी की आवाज कुछ डिस्टर्ब कर रही है। मेरठ हो गया, हाँ, प्रतापगढ़ हो गया, हाँ, बनारस हो गया, हाँ, भदोही हो गया, हाँ, ये अपने क्षेत्रीय उत्पाद के लिए जाने जाते हैं, वहाँ घरेलू उद्योग बर्बाद हो चुके हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या राहत पैकेज उत्तर प्रदेश की जनता को देने का काम किया उसके बारे में वो बताएं। जो दरोगा भर्ती की आप बात कर रहे हैं, वो पहले की भर्ती थी, 100 दिन के अंदर इन्होंने कितनी नई भर्ती लाई और नई नौकरी देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 100 दिन के अंदर कितने इंडस्ट्री को इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश जो है नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस का तो नहीं होता है ना, प्रधानमंत्री होते हैं, उस पर अश्विन साई जी विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? और नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक 3 गरीब राज्यों में से एक है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। और जब उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक 3 गरीब राज्यों में से एक है, तो उत्तर प्रदेश में विकास पिछले 5 साल + 100 दिन में कहां हुआ कि उत्तर प्रदेश भारत के 3 सर्वाधिक गरीब राष्ट्र में से एक हो गया, राज्य में से एक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी जो ये जादुई जो है जुमले सुना रहे हैं, ये प्रदेश की जनता इसको भली भांति जान चुकी है। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं बदहाल है, बरसात में गोरखपुर में जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, जहां वो रहते हैं, पूरे बरसात में एक बारिश हो जाए पूरा शहर में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, मुख्यमंत्री जी उस पर बयान नहीं देंगे। ठीक है, ग्रामीण एरिया हो या शहरी एरिया, बिजली की सुविधा नहीं है, बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है, भारी कटौती हो रही है और बिजली भी ये पूरा ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अश्विन साही जी इस तरह से बातें मत करें जो बात हास्यास्पद हो, ये बताएं कि पिछले 100 दिन में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है उसके बारे में बात। और एक और बात बताते हैं, और बात सुन लीजिए, 2 सेकंड का बात है। प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें चौथे चरण में जितने लोगों की भर्ती हुई, सबसे गवर्नमेंट NOC मांग रही है, सबसे NOC उनको कभी भी हटा सकती है गवर्नमेंट, ये व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की हकीकत है, मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है और उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता के रंग में रंगने के अलावा और कुछ नहीं किया। रवि सिंह पटेल, मैं ये कह रहा था, हमारे सुभाष यादव जी कह रहे थे कि विकास की ओर ले गए योगी 2 में 100 दिनों में। मैं बड़े अदब के साथ, बड़े शिष्टाचार के साथ शाही साहब से और सुभाष यादव से पूछना चाहता हूं कि पिछले 100 दिनों में, चूंकि अगर इसके पहले की सरकार में जाऊंगा, पिछले जाऊंगा तो बात गलत हो जाएगी, इन 100 दिनों में आदरणीय योगी जी ने कितने कल कारखाने स्थापित करवाए या उनकी कार्य योजना बनाई या उनको उनका कहीं से कहीं शिलान्यास किया, इसको बताना चाहिए पहली बात। 80,000 करोड़ का निवेश आया है, क्या आप लोगों को नहीं पता? इसके पहले जो सेमिस्टर मीट हुआ था उसको भी देख लीजिए, हम अपने इतिहास से उस अनुभव लेते हैं, और ये इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से इस्तफाक रखता हूँ कि उत्तर प्रदेश को धार्मिक उन्माद में उलझा करके, हिंदू मुस्लिम करके, और पूरी डिबेट, चलिए कम से कम आज तो आप ये मुद्दे की बात कर रहे हैं, नहीं और चैनल पर जाओ तो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद की बात हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए मैं ये कहता हूँ, 5 साल के लिए इनको मौका मिला है, पुनः मौका मिल गया है और इनको ये चाहिए। शाही साहब कुछ कह रहे हैं, शाही साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, कह लेंगे। और जो मैंने जो बात कही, मैं जो बात कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने ये कहे हमने गन्ना मिले लगाई, मैं जानना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, कृपया करके मुझे टीवी चैनल के माध्यम से बताया जाए कि पिछले 100 दिनों में या उससे पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश में कौन सी गन्ना मिल लगाई, ये मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ और सबको बताएं। शाही साहब कौन सी गन्ना में स्थापित किया इन्होंने? ये पटेल जी, सुनिए पटेल जी, 100
100 दिन का जो है संकल्प अपने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया था और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपने मंत्रियों को काम दिया था, और आप इस तरीके से कहेंगे कि 100 दिन में कौन सा कर दिया, तो आप लोगों की सरकार 5 साल थी, कौन सा तम्बू आपने गाड़ दिया, कहा क्या कर दिया, गन्ना भुगतान चले जा छोड़ के चले गए, सुन लीजिए पहले जवाब पहले थे उत्तर प्रदेश में, हम समाजवादी पार्टी आप जवाब दे रहे हैं, हम गठबंधन के लोग हैं, हम मुद्दों के आधार पे गठबंधन किए और हम गठबंधन को स्वीकारते हैं, लेकिन हम समाजवादी पार्टी की नाकामियों के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता है। ये देखिए समाजवादी पार्टी से मीसम भाई कहाँ गए, तारिक भाई देख लीजिए क्या कह रहे हैं आप, इस तरीके से अपने गठबंधन के साथी को गाली देना हुआ, गाली देना हुआ भाई, ठीक है चंद्रेश भाई आपके पास चंद्रेश भाई प्लीज मैं आऊंगा एक एक करके। हाँ शाही साहब गन्ना मिल आप लोगों ने बेचा, दो मिलों का नाम मुझे पता है बहुत स्पष्ट रूप से, मुंडेरवा और पिपराइक बता सकता हूँ कि ये चालू हम लोगों ने चालू किया है, आपने नया नहीं खोला है, आपने कहा हमने नया स्थापित किया है, फिर वही बात नया क्यों नहीं खोला है, जब आप लोग बंद करके बेच दिए थे, बेचने के बाद वो नया ही खुला था, आप लोग बंद कर दिए थे, और जो गोरखपुर का खाद कारखाना था वो खाद कारखाना भी कई सरकारें आप लोगों की आई और गई, बंद हो चुका था, हम लोगों ने खोला। अब मैं आपको दूसरी चीज गिनवाता हूँ जो मुद्दे की बात आपने कही है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 कंपनियां 40,000 करोड़ रुपए का निवेश चालू है इस समय उत्तर प्रदेश में, उसके नाम कहिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाइए, कई कंपनी की बता रहे 13,000 करोड़ रुपए का निवेश चालू है, सब भाग दिखा सकते हैं, टेक्सटाइल सुन लीजिए, अब देखिए अब आप चिल्ला के बात नहीं जाने देंगे, शांति से मैंने सुना आपको, मैंने उंगली उठाई, अरे भैया साहिल जी टेक्सटाइल की 4 कंपनियां 7,000 करोड़ में कैसे उत्तर प्रदेश में जो है उत्पादन चालू है, अप्रैल प्रमोशन कलेक्टर, भारत का गरीब राज्य कैसे हो गया, आपने काम किया तो गरीब राज्य कैसे हो गया, कलेश्वर यान बलरामपुर में 1,000 करोड़ चालू है, बलरामपुर यही बगल में है, ज्यादा दूर पता कर लीजिए जाकर, दिन भर में लौट आएंगे, ये काम चालू है, आप कहते कौन सा काम किया भाई, ये कुछ हमारे पास जो आंकड़े हैं मैंने गिना दिए, आंकड़े कलेक्शन के कौन से माध्यम है आपके पास, ये आंकड़े कलेक्शन के कौन से माध्यम है, कौन सा तंत्र है, माध्यम ये है कि हम काम कर रहे हैं और आप घर में बैठ कर आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, आपके पास नहीं है उसको तो केंद्र सरकार ने बनाकर 2016 से ही बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा है 2016 से भारत की सरकार ने बना कर रखा है, आपके पास आंकड़े आते कहां से हैं, ठीक है आंकड़े हम काम करते हैं उसके आंकड़े हैं, आते नहीं है, ठीक है हम बनाते नहीं है, आंकड़े हम काम करते हैं उसके हैं, और दम लगाकर कहते हैं बीमारू प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ठीक है आप लोगों की फेल सरकारें थी, ठीक है शाह साहब। हाँ इमरान लतीफ क्या कह रहे थे, देखिए मैं वही बात कह रहा था कि नई गन्ना मिल कहाँ लगाई कैसे लगाई, अगर अभी गन्ना मिल जो गन्ना किसानों के भुगतान की बात है तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण लूंगा, उसे पूरे उत्तर प्रदेश का नजारा आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के भुगतान हो रहे हैं। बरेली में किसान बैठे हुए हैं, 300 करोड़ जो है तक का बकाया है अभी उनको नहीं मिल रहा है। उसके बाद आजमगढ़ चले जाइए जहां तो चुनाव जीत के आए, सठियाओं चीनी मिल है वहां पर 50 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, रोक पर्चियां लिए किसान घूम रहे हैं, वहां भी भुगतान नहीं हो रहा है। तो जमीनी हकीकत यही है कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का दोष है, अखिलेश यादव का दोष है, मुलायम सिंह यादव का दोष है, नेहरू जी का दोष है, लेकिन पिस रहा है यहाँ का किसान, पिस रही यहाँ की जनता। आप अभी किसानों की ही बात हो रही थी, हमने देखा किसान सम्मान निधि को वापस लेने की बात की गई, डुगडुगी पिटवाई गई उनसे वापस लेने के लिए, अभी क्या स्थिति है बहुत बेहतर समझ रहे होंगे अश्विनी शाही जी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जिस सेक्टर में आप जाएंगे, जिस भी मामले में बात करेंगे, बेरोजगारी की बात हो रही थी, बेरोजगारी का आलम यह है कि अभी तक एक ढंग की भर्ती अगर इन्होंने कराई हो पूरी तरीके, जिस जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ले गए हो, नौकरी दे दी, दूसरी बात अभी तक ये आम आदमी पार्टी के हैं, इनको पार्टी से मतलब सवाल से मतलब नहीं है, आईना दिखा दो अभी, आईना ही दिखाएंगे, अपना आईना देखिए पहले, आप हमको आईना दिखाने वाले नहीं, हम 1 जुलाई से बिजली फ्री में दे रहे हैं पंजाब के अंदर, और आप यहाँ चमड़ी निकालने का काम कर रहे हैं बिजली बिल के नाम पे, आप हमको आईना नहीं दिखा पाएंगे, आईना हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा
आपको लगता था समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है? जवाब तो बाद में ले लेंगे। बेरोजगारी की बात कर रहे थे, एक भारतीयों की परीक्षा तो हटा दीजिए, इनसे हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा नहीं कराई जा रही है, पेपर वहां लीक हो जा रहा है। कुछ दिन बाद अश्विनी साहब जो है ये कक्षा पांच की परीक्षा नहीं करा पाएंगे, वहां भी पर्चा लीक हो जाएगा। तो ये पर्चा लीक कराने वालों की सरकार है, ये माफियाओं की सरकार, ये क्या जवाब देंगे? ठीक है शाही साहब, गृह शिक्षा वाले है ना, ये गृह शिक्षा वाले हैं। मैं इनको तीन और तीन से चार मुद्दे मैं बता रहा हूँ, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब अभी नहीं पहुंचा। अरे सर यूपी की बताइए ना, यूपी में हम लोग बैठे हैं, यूपी की बताइए, दिल्ली कहाँ जा रहे हैं, यूपी की बताइए ना, दिल्ली में बिजली फ्री दे रहे हैं, दिल्ली में हम बिजली फ्री दे रहे हैं, यहाँ कब आप फ्री देंगे? दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, उत्तर प्रदेश में बस यात्रा कब फ्री देंगे? नहीं ये कैसे, मैं दिल्ली में पूछ तो रहा हूँ, बताए ना, दिल्ली में हम बिजली फ्री दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कब फ्री देंगे? दिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं तो नहीं, ये नहीं चलेगा। दिल्ली में हम बिजली फ्री दे रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में कब दे रहे हैं बताएं? मेरा नहीं, अरे सुन तो लीजिए, जवाब दे कर रहे थे ना, दिल्ली में हम बिजली फ्री दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कब दे रहे हैं पहले बताएं, जवाब दूसरा कोई जवाब नहीं। शाही साहब, दिल्ली में बिजली फ्री है, उत्तर प्रदेश में कब फ्री मिलेगी? भाई जो ऐसे ही लोग नहीं बोलने देते हैं, नहीं उत्तर प्रदेश में बिजली का फ्री देंगे बताइए, बिल्कुल नहीं बोले देंगे। मैं बोलने जा रहा हूँ, आप दिल्ली से कंपेयर कर रहे थे, मैं दिल्ली से कंपेयर कर रहा हूँ, आइए बताइए। अरे भाई सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूँ, कब बिजली फ्री दे रहे हैं बताइए पहले, में दर्द क्यों हो रहा है भाई? नहीं बिजली कब फ्री दे रहे हैं भाई, हमको फ्री में बिजली मिलेगी हमको चाहिए बताइए। अरे बाद में आप गाली दे लीजिएगा हमको जितना है, लेकिन सुन तो ये जनता को तो जानने दीजिए। चंद्रेश कुमार प्लीज, प्लीज चंद्रेश भाई, मैं आऊंगा आपके सवाल भी लूंगा भाई, बारी 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 आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। शाही साहब, नितिन जी देखिए, मुझे तीन बातें कहनी है। दिल्ली में इस समय चले जाइए, किस तरीके से बिजली कटौती हो रही है, दिल्ली वाला किस तरीके से पानी के लिए परेशान है। तीसरी बात, आरटीआई से रोजगार की बात कर रहे थे, आरटीआई से मांगा गया है 26 लोगों को, इन्होंने 19, 20, 21 26 लोगों को नौकरी दी है। आरटीआई है मेरे पास, आपको मैं इसके पास कार्यक्रम के पास भेज दूंगा, इनको दिखा दीजिएगा। दिल्ली में बिजली हम फ्री दे रहे हैं, दिल्ली में महिलाओं को बस यात्रा हम फ्री दे रहे हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल वहाँ के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है, ये तीनों काम उत्तर प्रदेश में करने कब जा रहे हैं? और तीन बताइए, एक काम बताइए, उत्तर प्रदेश को बिजली का फ्री देना है, दिल्ली को फ्री में बिजली दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश को कब फ्री में बिजली देंगे? एक लाइन में बताइए आप। ठीक, हाँ शाही साहब। अरे 2 करोड़ और 25 करोड़ में इतना फर्क है, कह दिए नहीं चला पाएंगे, 25 करोड़ की सरकार से मना कर दीजिए, लंबाई में है नहीं, पंजाब में भी दे रहे हैं फ्री में, पंजाब में भी दे रहे हैं फ्री में। ठीक है ठीक है, तारीखा फिर कह दीजिए आपसे, सरकार नहीं चल पाएगी। अभी अभी नितिन भाई देखिए, अभी ये उसकी बात कर रहे थे, भाजपा वालों की एक खास कमी ये है कि ये आधा अधूरा पढ़ के आते हैं। देखिए ये पूरा मेरे पास है, जो लेबर फोर्स हमारा घट वो हुआ, चेंज हुआ कि हमारा लेबर फोर्स 14 करोड़ से 17 करोड़ हो गया। लेबर फोर्स मतलब 15 साल के ऊपर के लोग जो नौकरी मांग रहे हैं, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इधर लेबर फोर्स बढ़ रहा है और उधर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 46 से 34 हो गया। इसका मतलब यह है कि करोड़ों लोग ऐसे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीएमईआई केंद्र के इनके ही संस्था है जो ये डाटा देती है, तो उस डेटा के ऊपर तो माने, ये हमसे क्या मतलब, ये तो इन्हीं की संस्थाएं बता रही है कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। और अभी बात हो रही थी बिजली पे, तो 14 रुपए बिजली खरीद के 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्यों नहीं पावर प्लांट लगवा रहे? इतना आ रहा है 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़, कितने पावर प्लांट लगाए जरा बताएं शाही साहब, कितने पावर प्लांट, क्यों 14 रुपए में? वो एक्सेस जो पैसा दे रहे हैं वो गरीब के टैक्स का पैसा है, उससे दिया जा रहा है। 14 रुपए में आप बिजली खरीद रहे और 6 रुपए में सप्लाई कर रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है सरकार अपने पास से पे कर रही है, हमारा टैक्स का पैसा है, क्यों उधर आप लगा रहे हैं? एक बात और, हमारी रिक्वायरमेंट 35,000 मेगावाट की है, 12,000 मेगावाट हम बनाते हैं, डिफरेंस जो है कब पूरा होगा, 50 साल लगाएंगे या 100 साल? उत्तर प्रदेश में पैदा होकर मैं निवासी हूँ यहाँ का। हाँ शाही साहब क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, बिजली हम खरीद कर हम जनता के लिए दे रहे हैं, अब जनता के टैक्स का भी इनको वो है और जनता को सुविधा भी नहीं मिल रही वो भी है।
सैफई में बिजली आती थी, गोरखपुर नहीं आती थी, इटावा में आती थी, देवरिया में नहीं आती थी, तो वो हम धर्म और जाति और जिला देखकर बिजली नहीं देते हैं। हम सबको एक समाज देते हैं। अरे भाई शाही साहब 14 रुपए में खरीद रहे हैं, 6 रुपए में जनता से पैसा ले रहे हैं। ईद में बिजली रहेगी, होली और दिवाली में नहीं रहेगी, ये मैं हम लोग। अरे शाही साहब जवाब आप संभाव रखिए, आप सबको दीजिए। कौन लोग रखा है सरकार? तो हमारा प्रोडक्शन 14,000 है, 35,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन कब उत्तर प्रदेश बढ़ाएगी? कब एनटीपीसी से निर्भरता खत्म होगी? तारीख बता दीजिए। 50 साल आराम से आप 600 साल में बना लेंगे। चंद्रेश क्या? मगर जवाब तो पॉइंट पे दिया करिए, इधर उधर ले जाते हैं। 26,000 है भाई, पॉइंट से ऊपर का 26,000 की कोशिश करूंगा कि ईमानदारी पूर्वक जवाब देंगे। तो क्यों ईमानदारी पूर्वक? अभी क्या रखते हैं? अपनी बात रखने देगा, दोनों बाकी लोग कैसे अपनी बात रखेंगे? बोलिए। मैं कह रहा हूँ, मैं अश्विनी शाही जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। गोरखपुर में जल जमाव की जो समस्या थी, क्या मुख्यमंत्री जी ने 5 साल 100 दिन में उसको खत्म कर दिया? इसका जवाब देते। आजमगढ़ में इन्होंने एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास रखा था, उसमें कार्य की प्रगति कहाँ पर है वो बता दें। इन्होंने मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की बात की थी, उसमें आपने क्या काम 100 दिन में किया है उसके बारे में बता दीजिए। बनारस से लेकर गोरखपुर के बीच आपने कितनी नई इंडस्ट्री को जानवर बन के बैठ गया, 100 दिन में क्या किया? 100 दिन में आपसे थोड़े हमने लिया था, 100 दिन तो हमने ले लिया था कि हमको क्या क्या करना है, कार्य योजना तैयार है, 6 महीने का लिया है, फिर उसके बाद जो है आगे का लेके 5 साल का लेके, वो तो अपने लिए ले रहे हैं भाई। आप कौन होते हैं पूछने वाले की क्या किया 100 दिन में? किसी भी कौन सा सवाल है ईमानदारी से जवाब दे दीजिए। तो जो आप लोग जो है कुछ करेंगे नहीं, कांग्रेस खत्म है। अरे भाई कम से कम प्रयास तो है सरकार की तरफ से कुछ करने का, आप हर चीज का नेगेटिव ढूंढ रहे हो। फिर उत्सव कहेगा, फिर 100 दिन का उत्सव। अरे 100 दिन में उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया था, उस पर काम कर रहे हैं। आपको दर्द क्यों भाई? हमारा घर है, हम अपने घर में उत्सव करें, हमारा उत्तर प्रदेश हमारा घर है। आपको नहीं समझ में आ रहा 100 दिन कर दिए होते से चम्मच से बाबू के मुंह में चंदा भी आपसे पूछे उनके आरोप ही नहीं खत्म हो रहे अभी तक, खत्म नहीं हो रहे हैं। तो चंद्रेश जी की पार्टी और चंद्रेश जी के लोग अगर इतने अच्छे होते तो इस बार के MLC चुनाव के अंदर आजादी के बाद सबसे पहला इतिहास बना है जिसके अंदर विधान परिषद के अंदर कांग्रेस शून्य हो गई है। 36 सीटें हैं जिसके अंदर 36 के अंदर से 33 भाजपा आई और 3 निर्दलीय है, यानी सपा बसपा भी निकली वहां पे निकली। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, जिनका काम है आरोप लगाना, क्या करें? थोता जाना बाजे घना तो बज रहे हैं। तारिक भाई बहुत बोल रहे हैं, इतनी सारे आंकड़ों की बात कर रहे हैं, नीति आयोग की बात कर रहे हैं, बिजली विभाग की बात कर रहे हैं। तारिक भैया मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मान मीडिया मैंने आपको बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आप इतने ही आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 2022 के अंदर नकार क्यों दिया? इस सवाल का जवाब दीजिएगा जरूर, और अगर अभी जवाब न दे पाए इसके लिए मंथन करिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको क्यों नकार दिया। RLT के प्रवक्ता पटेल साहब गन्ना की बात कर रहे हैं। अरे भैया अगर गन्ना का भुगतान नहीं हुआ होता तो पश्चिम के अंदर की जनता ने आपको गन्ना लेके क्यों दौड़ा दिया? अगर किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया होता तो वो गन्ना किसान आपके खिलाफ क्यों चले गए? आपको गन्ना लेके दौड़ा है, आपकी हालत क्या सबको पता ही चल गई? हिंदू मुस्लिम उन्होंने करवाया, इन्होंने थोड़ी ना कराया, आपने क्यों कराया? और इमरान भाई के ऊपर मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी अपनी जमीन मजबूत तैयार कर रहे हैं। हाँ इनको शुभकामनाएं जरूर दूंगा क्योंकि डिबेट के अंदर भी जिस प्रकार मजबूती से पक्ष रख रहे हैं, आने वाले टाइम पे इनका विपक्ष के रूप के अंदर रोल भी बहुत मजबूत रहेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो मुझे दिख ही रहा है क्योंकि ये तो प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ के बाकी सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो कहावत सुनी होगी आपने कि चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करते रहे तो आईना ही साफ करेंगे, ये संघर्ष नहीं करेंगे।
सिर्फ बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है, और रविंद्र सिंह जी क्या करें, गठबंधन वाले दल हैं तो डिफेंस करने काम करते रहेंगे, डिफेंस तो करेंगे ही, क्योंकि उनको भी पता है कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, तो मजबूती के साथ उनका पक्ष रख रहे हैं वो। तो मिला जुला के यहाँ देखा जाए ना, तो नितिन जी है ना कि 2022 के अंदर 2024 के अंदर भी लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही है उसके अंदर भी विपक्ष नगण्य है पूरी तरीके से। ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये आंकड़ों की बात करेंगे, और उसी आंकड़ों को जब भारतीय जनता पार्टी पेश करेगी तो ये लोग बोलेंगे अरे यार आपकी सरकार है, आप आंकड़ों की जादूगरी करते हैं। तो भैया डिसीजन ले लो, आप जो आंकड़े दोगे वो सही है, वो जब आंकड़े पेश करेंगे तो आंकड़ों की जादूगरी हो गई, तो दोनों के अंदर बहुत कंपेयर हो जाता है। तो इनको भी देखिए, मैं फिर एक बार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि यही लोग मजबूती से आवाज को उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक ठीक है, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 100 दिन पूरा हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारी जो उपलब्धियां हैं इस 100 दिनों में वो बताई हैं, पिछले 5 साल में भी बताई थी कि उन्होंने कितना क्या काम किया था, और अब ये आने वाले जो 100 दिन है उसका लेखा जोखा भी पेश किया गया, और ये भी बताया गया कि बीते 100 दिनों में हम लोग ने किस तरह से काम किया है, आने वाले 100 दिनों के साथ साथ आने वाले 5 सालों में हम कैसे और बेहतर काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो नींव है वो उत्तर प्रदेश के 2024 के चुनाव के लिए काफी मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में रहा है, क्योंकि जब ये संबोधन शुरू हुआ तो शुरुआत चुनाव से हुई थी, जीत से हुई थी, अलग अलग चुनावों से हुई थी, जनता के विश्वास से हुई थी। देखना यह होगा कि सरकार उत्तर प्रदेश की जो है उसके ये काम 2024 में उसके लिए कितने फायदेमंद होते हैं और विपक्ष कितनी मजबूती से इस बार सरकार के सामने खड़ा होता है। आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।